कल जो हादसा हुआ था उसमें जो अंदर बैठे थे उसमें कुछ लोग कुछ लोगों को घबरामण हुई थी। उस घबरामण की वजह से एक जना अनकॉन्शियस हो गया था, जिसको CPR वगैरह भी दिया गया था और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तीन चारों को, फिर वहाँ वो एक्सपायर हो गया और बाकी दो को तुरंत डिस्चार्ज वहाँ थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज जो है वो ट्रेन से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, उदना से सुबह दो ट्रेन निकल चुकी है, 6:30 बजे एक निकल चुकी है, 8:30 बजे निकल चुकी है। तो जो यहाँ पे जो क्राउड जो पैसेंजर्स जो आने थे वो थोड़ा ईज आउट हुए, वहाँ पे भी लोग पैसेंजर पहुँचे तो निकल गए। यहाँ जो है आज वो शुरू से हमने जो कन्फर्म टिकट थे उनको ही बैठाया, फिर वेटिंग अगेंस्ट जो कन्फर्म थे उनको जो है 5-5 करके फिर बाद में हमने उनको जहाँ जहाँ खाली दिखे वहाँ वहाँ पर एडजस्ट किया। बाकी जो रह गए हैं उनके लिए अभी रेलवे के अधिकारी हैं साथ में, तो बोल रहे हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट हो रहा है, बस जस्ट अभी नोटिफिकेशन और टाइम आना बाकी। अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए और यात्री अपने प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान तक सुरक्षित यात्रा करें, इस मंगलमय कामना के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सभी यात्राएं, जो भी यात्रा कर रहे हैं या यात्रा का प्लान बनाए हुए हैं उसको सफलभूत करें। और हम लोगों के लिए रेल प्रशासन की ओर से, रेलवे की तरफ से और राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी, उन सबों के सहयोग से हम सभी रेल यात्रियों को हर सुविधा देने के लिए हर पल 24/7 तैयार रहते हैं। कल के हादसों के दुखद घटनाओं के बाद, भगवान न करे ऐसी परिस्थिति किसी के साथ हो, 28 ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। विभिन्न जगहों से वो रेक मंगाए जा रहे हैं, जिसमें से दो रेक ऑलरेडी यहाँ से चलाए जा चुके हैं, उधना से एक, उधना से उधना दानापुर चलाई गई और दूसरी उधना से बरौनी तक चली गई आज सुबह में ही, और आगे भी 6-8 रेक इस तरह से कंटिन्यूस लगातार अलग अलग दिन को 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख तक चलाई जाएगी। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Jio TV and on your television sets as well. For Dimapu viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.